केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों के बिजली बिलों को माफ करने की मांग राज्य सरकार से उठाई है। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान कैलाश चौधरी ने केंद्र की ओर से दी जा रही राहत के बारे में भी जानकारी दी। भारत सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए, जिसमें किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपए पहुंचाने का काम किया। साथ ही किसान रेल प्रारंभ की, किसान रथ ऐप प्रारंभ किया और किसान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तय किया। और साथ ही ई नाम मंडी के अंदर हमने जो 585 मंडियां थी उसको बढ़ाकर 1000 तक करने का काम किया। और साथ ही किसानों के लिए एक जो खरीद का सबसे बड़ा विषय था तो हमने समय पर खरीद भी प्रारंभ की और ऋण के लिए जो 1 मार्च का समय था उसको बढ़ाकर हमने 31 मई तक का समय किया गया। और बहुत ही अच्छा निर्णय ये हुआ कि पंचायत स्तर पर भी कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेच सकता है। और इस बीच में राजस्थान के अंदर भी हमने निर्देशित किया कि यहाँ पर हर जगह कोऑपरेटिव के माध्यम से खरीद प्रारंभ हो, लेकिन वहाँ पर किसानों की समस्या आ रही है कि खरीद केंद्र पर अभी खरीद शुरू नहीं हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि अब तुरंत वहाँ पर खरीद केंद्र अधिक से अधिक खोलने चाहिए। और साथ ही जो फसल बीमे का पैसा है लगभग 800 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के बाकी।